हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? ऐसा करते हैं बहुत 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 ही बढ़िया हो गए। और मेरी बनी भी आप सभी को हेलो बोल रही है। और मौसम बहुत ज्यादा खराब है और हवाएं कैसी चल रही है वो तो आपको वीडियो में सुनने मिल ही जाएगी आज। तो अभी मेरे पास बहुत ढेर सारे मैंगो है, तो मैंगो की खुशबू उसको आ चुकी है, तो उसको अब हम करेंगे आज के लिए स्टोर और रखेंगे मेरे छोटे से फ्रिज में, उसके लिए जगह बनाएंगे। और जो ज्यादा पिस गई है, मींस की ज्यादा पक चुकी है, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या दिखाते हैं आप सभी को। और इन दोनों बंदरियाओं को मैं बिल्कुल भी नहीं खोल रही, नहीं खोलने वाली मैं। कैरी को तू, कैरी नु कुको, कैरी खाओ कुको, दोनों को देखो। आम की बात सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, इसके लिए उनको पूर दिया है। तो यहाँ पर ये रहे आम, जिसको मैं अब छिल लूंगी और कट करके फ्रोजन करने वाली हूँ। आम को छिल लूंगी, तो ये रहे आम, उसको फटाफट से अब हम लोग छिलेंगे, क्योंकि पके पके आम को अच्छा रहता है। मैं तो खा नहीं सकती, बट खुशबू बहुत ही अच्छी और बहुत बढ़िया आ रही है, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। बट मैं नहीं खा सकती, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं आम नहीं खा सकती। केसर के आम, उसकी स्मेल यार, मैं देखो हवाओं की आवाज़ सुनो आप लोग, कैसी डराने वाली आवाज़ आ रही है। और हाँ, आज 14 तारीख, कल 15 तारीख है, कल वावाजोड़ा मीन्स की जो बोल रहे कच्छ में आने वाला है तूफान, तो उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ भी चालू है। तो इसी के चलते इतनी ज़्यादा हवाएं हैं और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं कर पाती। और अभी से वीडियोस भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊं। और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हो, तो उसके चलते थोड़ा मन भी ऐसा हो जाता कि ये लोग देख नहीं रहे तो क्या ही दिखाए, क्या ही दिखाए। फिर सोचती हूँ चलो जो भी है, थोड़े बहुत तो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। तो फिर ऐसा सोच के मैं बना लेती हूँ, तो आज वही सोच के बना रही हूँ, चलो बना लेते हैं वीडियो। तो मैं मिलती हूँ इन सभी आमों को छीलने के बाद। हम सारे मैंगो को स्लाइस करके कट कर लेंगे, क्योंकि हम इनको स्टोर करना है। तो मैं एक एक करके सारे मैंगो की स्लाइस से कर लूंगी। और इन लोगों को स्मेल आना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कैरिया जो मेरे आम है ना, वो मेरी तरह और मैं खाती नहीं ना, तो मैं सब कर नहीं पाती। पर गुटली जो है उसको भी निकाल लिया है, ये उसमें से निकला हुआ पानी, ये रही स्लाइसेस, और ये रहा रस, जिसके अंदर अभी चीनी डालनी बाकी है। तो कट हुए हुए मैंगो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया है। यहाँ पर ये पूरी आइस हो चुकी है, तो इस तरीके से इसको फ्रीज किया जाता है। रस को भी ऐसे ही फ्रीज किया जाता है, उसमें शुगर डालते हैं, ये विदाउट शुगर है। और यहाँ पर मेरे मटर पड़े हुए हैं, आइसक्रीम और ये आइस क्यूब्स, तो बस इतनी चीज़ें हैं मेरे छोटे से फ्रीज़र में, और साथ में जिसको मैंने लिया था उसको भी। तो अभी रात के बजे हैं 12 और मन हो चुका है पॉपकॉर्न खाने का, तो मैं ये वाले पॉपकॉर्न जो है उसको बना रही हूँ। तो चलिए कैसे बनेंगे ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसको मैं थोड़ा हीटअप कर दूँगी,
तो उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया है और ये हमारा पॉपकॉर्न। तो ये सभी मिक्स हो चुके हैं, उसके बाद हम लगा देंगे ढक्कन को और फ्लेम को कर देंगे फुल और वेट करेंगे उसके पकने का। और मैं इस तरीके से फर्स्ट टाइम बना रही थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर दिखते हो उतार ये भी इसको खिलाते भी रहेंगे। तो छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए और देखते हैं कितने होते हैं मेरे पॉपकॉर्न। और क्विकली अपडेट दे दूँ बाहर के बारे में, तो बाहर कोई भी हलचल नहीं है, सच बोलो ना तो पवन भी नहीं चल रही है। बोलते थे 10 बजे 12 बजे हो जाएगा, बट अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिख रही है तूफान के। हाँ, बीच में एक बार बारिश हुई और उसके बाद गायब हो गई। अब सुबह में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एनीवेज सुबह तक तो पता चल ही जाएगा। और न्यूज़ में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है सच्ची में। हाँ, और किसी के यहाँ पर दिख रहा होगा तो पता नहीं, पर मेरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं देख रही थी अपने पॉपकॉर्न। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि बार बार देखो, पर थोड़े ही सेकंड हुई इसमें से आवाज़ आना स्टार्ट होगी। सुन रहे हो? पॉपकॉर्न फूटना स्टार्ट हो गए। ये इसको थोड़ा हिला लूँगी इसके चलते, बाकी होगा वो आ जाएगी ऊपर। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, हिला लेना जिसके चलते कोई बाकी होगा तो वो ऊपर आ जाता है। तो पीछे मेरे पॉपकॉर्न हो चुके हैं, मस्त उसकी खुशबू आ रही है। काश मैं आप लोगों के साथ खुशबू भी शेयर कर पाती। तो बस यहाँ पर हो चुके हैं, 2-5 मिनट के लिए रहने दे दूँ। मैंने नाक पहना है, पता चले कि मेरा पॉपकॉर्न उठ के आ गया है। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? ये पूरा भर के पॉपकॉर्न निकले, इतने सारे पॉपकॉर्न निकले। थोड़ा वेला के बना, तो फाइनली मेरे पॉपकॉर्न तो हो गए रेडी। टेस्टिंग भी कर लेते कि कैसे बने हैं। यम्मी यार। ये नमक कम था ना, उसकी वजह से लग रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी, उद्रस खाने के लिए नहीं, पॉपकॉर्न खाने के लिए खा लीजिए। तो मैं तो मसाले लगाते लगाते पॉपकॉर्न खा रही हूँ। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।